हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो केक। वो भी मैं आज ओरियो बिस्किट का यूज़ करके बना रही हूँ। और ये बहुत सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि आप ओरियो केक बनाइए, तो आज मैं ओरियो केक प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम ओरियो केक कैसे बनाएँ इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ओरियो केक आज हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसमें हम डालेंगे नमक। हम 1 से 1.5 कप नमक डालते हैं और ये नमक मैंने पहले भी बेकिंग में यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। और नमक को डालकर हम एक बार स्प्रेड कर लेते हैं और फिर इसके बीच में हम रखते हैं एक स्टैंड, क्योंकि हमें केक को डायरेक्ट नमक के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो आप स्टैंड या कोई भी कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। और अब हम कुकर के ढक्कन को ढकते हैं। इसे हम पूरा नहीं ढकेंगे, इसे हम ऐसे ही ढक देते हैं और ध्यान रहे कि सीटी ना लगी हो। सीटी को हम निकाल देंगे और कुकर को हम मीडियम फ्लेम पर रख कर 10 मिनट तक के लिए हीट कर लेते हैं। और चलिए इसी बीच हम ओरियो का केक बनाने के लिए बैटर भी रेडी कर लेते हैं। तो ओरियो केक बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े ओरियो के बिस्किट। ये मैंने बड़ा पैक लिया है और अब हम पैक को खोलकर बिस्किट को निकाल लेते हैं। आप कोई भी फ्लेवर के ओरियो बिस्किट ले सकते हैं। और बिस्किट को अब हम डालेंगे जार में, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। टोटल क्वांटिटी में देखा जाए तो 24 पीसेस हैं बिस्किट के और इसका हमें क्रीम नहीं निकालना है। हम क्रीम सहित ही इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल पाउडर की तरह हमें इसे ग्राइंड करना है। तो ये बिस्किट का चूरा मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है और अब इस पर हम डालते हैं चीनी। तो हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, क्योंकि जो बिस्किट है वो ऑलरेडी बहुत मीठी है। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ और चीनी डालकर एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे दूध। हम पहले 1/2 कप दूध डालेंगे, एक साथ हमें दूध नहीं डालना है। और दूध डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो घोल है वो अभी भी बहुत गाढ़ा है, आप देख रहे हैं, तो इसमें हमें और दूध डालना है। तो हम 1/2 कप दूध और डालेंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर बैटर बनाने में 1 कप दूध का यूज़ किया है। और ये हमारा घोल बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे हम और भी चॉकलेटी बनाने के लिए इसमें हम डालते हैं चोको चिप्स। हम 2 से 3 टेबलस्पून चोको चिप्स डालते हैं। चोको चिप्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बढ़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चोको चिप्स का। और चोको चिप्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो केक बनाने के लिए घोल बिल्कुल तैयार हो गया है, बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हमें इनो डालना है, तो इनो हम लास्ट में डालेंगे। सबसे पहले हम टिन को भी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 6 इंच का टिन और इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। चारों ओर हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। और फिर मैंने लिया है राउंड पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर लगाने से जो केक है वो ईजिली बाहर अच्छे से निकल आता है। आपके पास नहीं है पार्चमेंट पेपर तो आप स्किप कर सकते हैं। और पार्चमेंट पेपर के ऊपर से भी हम ऑयल लगा देंगे और टिन को चारों ओर से हम ग्रीस कर लेते हैं। तो टिन को मैंने रेडी कर लिया ऑयल लगाकर और अब हम केक के बैटर में डालते हैं इनो। तो लास्ट में अब हम डालते हैं इनो और हम 3/4 से 1 चम्मच इनो डालेंगे। मैंने 1 पूरा पैकेट इनो का यूज़ किया है और हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। इनो को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। आप देख रहे हैं बबल्स उठने लगे हैं और जैसे ही इनो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए हम इसे तुरंत ही केक टिन में डालेंगे। तो मैंने जो टिन ग्रीस करके रखा हुआ था उसे लेते हैं और बैटर को हम टिन में डाल देंगे। बैटर को टिन में डालने के बाद अच्छे से हम टैप कर लेते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे।
और फिर हम ऊपर से भी थोड़े से चोको चिप्स डाल देते हैं। और ये ओरियो केक बनाने के लिए बैटर बिल्कुल रेडी है। अब चलिए इसे हम हीटेड प्रेशर कुकर के अंदर रखते हैं। तो नमक बिल्कुल अच्छे से हीट हो गया है। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और केक के टिन को बिल्कुल स्लाइटली हम पैन में रखेंगे और ढक्कन को बंद कर देते हैं। और ओरियो केक को हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 35 टू 40 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेंगे। 45 मिनट्स हो गया है। अब हम कुकर के ढक्कन को खोलकर देखते हैं। ये देखिए ओरियो केक बिल्कुल बेक हो गया है। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो ये हमारा जो फोक है बिल्कुल साफ़ निकला है, इसका मतलब केक अंदर से भी बिल्कुल बेक हो चुका है। अब हम इसे प्रेशर कुकर से बिल्कुल जेंटली बाहर निकालेंगे। तो केक को मैंने प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लिया है। अब इसे हमें टिन से भी बाहर निकालना है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम टिन से बाहर निकालेंगे। तो केक थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसके साइड्स को हम बटर नाइफ से स्क्रैच कर लेते हैं और फिर हम इसे काउंटर टॉप पर रखेंगे और इसके ऊपर हम प्लेट उल्टा करके रखते हैं और नीचे से हम टैप करके केक को बाहर निकाल लेंगे। हम बटर पेपर भी हटा देते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बिल्कुल तैयार है। और जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा मेल्टेड चोको चिप्स है, जिसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इसे इस वे में सर्व कर सकते हैं, इसे हमें सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से आप चाहें तो हर्शे चॉकलेट सिरप या कुछ स्प्रिंकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और अब इसे हम स्लाइसेस में कट करेंगे, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद ही हम इसे स्लाइसेस में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना, ओरियो केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो इजीली आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। तो आप ही इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और सुझाव अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।